आज हम बात करेंगे जी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी पे। इक्वालिटी पे हमने बात की थी, इनइक्वालिटी पे भी देख लेते हैं। हम देखें अगर लेट सपोज अगर आप जिस गिवन सिचुएशन है इसके अंदर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ स्टार्स की अहमद के पास कुछ नंबर ऑफ स्टार्स हैं, इस तरह शहरयार के पास भी कुछ नंबर ऑफ स्टार्स हैं, ठीक है। आप अहमद के अगर आप नंबर ऑफ स्टार्स को काउंट करें तो ये कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5, और 5 × 2 ये बन जाते हैं 10। 10 नंबर ऑफ स्टार्स जो हैं वो अहमद के पास हैं, ठीक है, और जो शहरयार के पास हैं 3 और 3 6 6 है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि 10 जो है वो ग्रेटर देन 6 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि लेट सपोज हम रेड कलर के 4 स्टार्स दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं, इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे हम रेड कलर के 4 स्टार्स को ऐड करेंगे। उसके बाद काउंटिंग अगर करें तो ये बन जाएंगे 10, ऑलरेडी थे ये, ठीक है, ये कॉपी पेस्ट हुए हुए हैं, 10 ये थे प्लस 4 14, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 4 और ये 6 थे, तो 6 प्लस 4। अब 4 जब 6 जो है उनके अंदर 4 ऐड होके 10 तक यानी रीच करते हैं, यानी जो अहमद के पास बगैर एडिशन के स्टार्स थे नंबर ऑफ स्टार्स, लेकिन आफ्टर एडिशन अहमद के पास 10 प्लस 4 कितने होते हैं 14। तो अगर आप ये देखें तो इनइक्वालिटी अभी भी वैसे ही है, क्योंकि अभी भी जो अहमद के पास नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो शहरयार से ज्यादा है। तो लिहाजा हमने देखा कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर जब हम एक 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 फिक्स नंबर यानी एक नंबर जो कि रियल नंबर एक नंबर जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता हो उसको ऐड करें तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब इसको अगर हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के अंदर ये बात करें तो हम कुछ इस तरह से ये बात कर सकते हैं कि इसकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स बन सकती हैं। हम यूं बात करेंगे जी कि फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो हम बोलेंगे जी फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो सकती है कि लेट से इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस जेड इज ग्रेटर देन वाई प्लस जेड, या अगर आप इसको क्यूमुलेटिव लॉ के मुताबिक देख लें तो जेड प्लस एक्स इज ग्रेटर देन जेड प्लस एक्स, यानी अगर आप राइट साइड पे मल्टीप्लाइंग कराएं या लेफ्ट साइड पे कराएं, ठीक है। और इसी तरह से बी अगर आप इसके स्टेटमेंट ले लें ग्रेटर में या लेस में अगर आप कर लें एक्स लेस देन वाई, तो लेस में भी जो क्वान्टिटी लेस है वो लेस ही रहेगी, यानी आप बात करेंगे जी एक्स प्लस जेड जो है वो लेस ही रहेगी वाई प्लस जेड से, ठीक है, और जेड प्लस एक्स जो है वो लेस ही रहेगी जेड प्लस एक्स से, ठीक है। अगर नंबर्स के अंदर भी हम इसको देखें तो हम यूँ कह सकते हैं कि 7 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, और हम दोनों तरफ 2 ऐड करते हैं, ठीक है, इस तरफ भी 2 ऐड हुआ, इस तरफ भी 2 ऐड हुआ, ठीक है। हम देखेंगे 7 प्लस 2 9 9, अभी 9 इज स्टिल ग्रेटर देन 7, 9 अभी भी 7 से ग्रेटर है। तो हमने यहाँ से ये बात सीखी कि इनइक्वालिटी के अंदर अगर हम एक नंबर को दोनों साइड्स पे ऐड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पे अगर इसी जो एग्जांपल है हमारी स्टार की, इसी को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टडी करें तो हम यूँ बात कर सकते हैं कि जो शहरयार है इनके पास कम स्टार्स हैं, शहरयार के पास नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो कम है एज कम्पेयर टू अहमद, लेकिन जब हमने शहरयार के जो नंबर ऑफ स्टार्स के अंदर 4 स्टार्स और ऐड किए और वो 4 अहमद के स्टार्स के अंदर भी ऐड हुए, तो उसके बावजूद शहरयार के जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो अहमद के नंबर ऑफ स्टार से कम है। तो लिहाजा हमने ये देखा कि अकॉर्डिंग टू एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी आप इक्वालिटी के दोनों साइड्स पे जो है वो अगर एक नंबर ऐड करते हैं तो उससे ये जो रियल नंबर से बिलोंग करता हो तो उससे इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा।